अब वो आ गया कुछ दिन के बाद, नबी की दुआ भी थी, तालीम भी थी, हिदायत भी थी, आ गया मस्जिद नबवी में। हमने कहा हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा, वो तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे काबू में आया या नहीं, सरकश घोड़ा तुम्हारे काबू में आ गया? या रसूलल्लाह आपकी दुआ से आ गया। बात समझ आ गई या नहीं? युज़क्कीहिम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे किसी शख्स को कि गलत काम कर रहा है, कभी नाम लेके ये नहीं कहते थे कि देखो फला आदमी तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो। फरमाते मा बालू अक्वामिन यामलून कदा व कदा, भाई बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि वो इस तरह यूं काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को साबित सामने बैठा हुआ होता है, उसकी तरफ इशारा नहीं। मा बालू अक्वामिन यामलून कदा व कदा, बाज़ लोगों की भाई ये आदत होती है कि वो यूं काम किया करते हैं, ये गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए। अब उसकी तरफ इशारा नहीं, उसकी तरफ उंगली नहीं उठाई, उसकी तरफ नाम नहीं लिया, वो समझ रहा है कि ये बात मेरी तरफ हो रही है। अपनी जगह पे वो शर्मिंदा भी हो गया, उसको हिदायत भी हो गई, इस्लाह भी हो गई, जलील नहीं हुआ, तज़किया हो गया। फिर एक इबादत का निजाम अता फरमा दिया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र फिक्र की कैफियात अता फरमा दी, तज़किया हो गया। फरमाया नबी का पहला काम यह है कि यतलू अलैहिम आयातिही, उसकी आयात की तिलावत करता है, युज़क्कीहिम, उनको पाक बना देता है, तज़किया करता है, इस्लाह करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देता है। नबी का ये असल काम है, किताब अल्लाह की है, तालीम नबी देता है, एक एक चीज़ को खोल खोल के बयान करता है, जिस जिस मौका के लिए जो जो आयत नाजिल हुई है उस आयत की वहां तशरीह कर देता है, खोल खोल के बयान कर देता है, कोई शक को शुबह की गुंजाइश बाकी। और फिर वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देता है, दानाई की तालीम देता है, जिंदगी गुजारने का सही रास्ता बताता है, कैसे खुद उस पर अमल करके दिखा देता है। उसकी जिंदगी कुरान की अमली तफसीर होती है, अल्लाह से हुक्म पाता है, उस पर खुद अमल करके दिखा देता है, इंतहाई हसीन अंदाज में, इंतहाई हकीमाना अंदाज में, और उसकी तालीम दे देता है। ये चार काम है दोस्तों। फरमाया व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन, और इससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे, हमने नबी को अनपढ़ लोगों में भेजा, उन्हीं में से था, लेकिन चार काम हमने नबी को सिखा दिए और वो ये चार काम करके जा रहा है। यतलू अलैहिम आयाति, अल्लाह की आयात की तिलावत करता है, युज़क्कीहिम, उनका मांजता है, उनके दिलों की सफाई करता है, दिलों की कदूरतें धो डालता है अपने अखलाक से, अपनी रूहानियत से, अपनी तालीम से। और नंबर तीन, कुरान की तालीम देता है अल्लाह के अहकाम की। और नंबर चार, इस पे अमल करके दिखाता है, सुन्नत की तालीम देता है। दोस्तों, वो शख्स जो कि नबी का पैरो होगा, इन चार कामों में डूब जाएगा। अल्लाह की आयात की तिलावत खुद करेगा, आयात लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाएगा। नंबर दो, खुद अपना तज़किया करेगा अपने नफ्स का, और उसकी बातों से, उसके अखलाक से, उसकी ज़िंदगी से लोगों का तज़किया होगा, लोगों की ज़िंदगी पे अल्लाह का रंग चढ़ेगा। नंबर तीन, वो कुरान पढ़ाएगा। नंबर चार, वो सुन्नत की तालीम देगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला ये काम हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये तुम सारा पढ़ लो, मुझे बताओ कि ये क्या है। जो गालिबन हादसा है उसके बारे में ये मदद मांगना चाहते हैं, ये पढ़ के मुझे बता दें। आप इस दौरान और सवाल कर लें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ماہ رمضان میں ہم کچھ لوگ کچھ مجبوریوں کے تحت عشاء کی نماز اور تراویح وقت پر ادا نہیں کر سکتے، مگر ہم سب مل کر رات 1:30 بجے باجماعت نماز عشاء اور تراویح ادا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. فرض نماز کسی مجبوری سے مؤخر نہیں ہو سکتی. دیکھیے، عشاء کی نماز کا جو صحیح وقت ہے وہ تو وہی ہے جس میں اذان ہوتی، زیادہ سے زیادہ دیر ہو سکتی ہے تو نصف رات تک، نصف رات کے بعد نماز عشاء مکروہ ہو جاتی ہے اور صبح کی اذان کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نماز با جماعت کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. فرض کی بات کر رہا ہوں، وہ 4 رکعتیں جو ہیں فرض نماز عشاء کی، وہ تو آپ اسی وقت پہ ہی پڑھیں گے. رہ گئیں تراویح، سنت، وتر، تراویح، وہ 1:30 بجے کی بجائے آپ بے شک 3:30 بجے پڑھ لیں، اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن فرض نماز جو ہے وہ پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ مسجد میں پڑھیں، با جماعت پڑھیں، نماز کے ساتھ پڑھیں. دوستو، یہ دو نمازیں جو ہیں ان کو دانتوں سے پکڑ لیں، اس لیے کہ ان دو نمازوں میں سے ایک کا چھوٹ جانا یا دونوں کا چھوٹ جانا یہ بدنصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے اور منافقت کی بات ہے. ایک نماز عشاء اور ایک نماز فجر، اور ایک راز کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، انسان کی زندگی میں روزانہ صبح آتی ہے اور صبح سے اہم وقت اور کوئی نہیں ہے عبادت کا. فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے سورج کے طلوع ہونے تک، یہ وہ وقت ہے کہ اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا وقت مل جائے یا سارا مل جائے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس وقت کی عبادت اور اوقات کی عبادت کے مقابلے میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. تہجد، پھر صبح کی نماز، پھر اشراق تک بیٹھے رہی. جب سورج طلوع ہو جائے 2 نفل نماز پڑھیے اشراق کے اور آ جائیے. یعنی تہجد تو اپنی جگہ پہ ایک مستقل عبادت ہے، میں صرف اشراق کی نماز کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا درجہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے. صبح کی نماز آپ نے باجماعت مسجد میں پڑھی، آپ وہیں مسجد میں بیٹھے رہے بغیر کسی مجبوری کے باہر نہ آئے. مجبوری ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے باہر آ سکتے، آپ وہیں بیٹھے رہے اور سورج طلوع ہو گیا، آپ نے 2 نفل نماز پڑھی، اس کو نماز اشراق کہتے ہیں. اس کا اجر پورے حج اور پورے عمرہ کے مقابل برابر میں ہے. حج و عمرۃ مقبولہ، مقبول حج اور عمرہ کے برابر ہے یہ. اس کی ہم قدر نہ کریں علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دینے کا ایک راستہ بنا دیا ہے، تو اس وقت کی قدر کریں. اور نماز فرض جو ہے وہ با جماعت پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں. نہیں، ایسا نہیں، آپ اگر جم کے بیٹھ جائیں تو وہ بھاگ جائیں گے. نہیں نہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان سے کہیے کہ میں اشراق پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سنت ہے اور اس کا یہ اجر ہے، آپ روکتے ہیں اس سے مجھے. وہ تو اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی بیٹھتا ہی نہیں، تو کھلے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. ہمارے یہاں مثلا کھلی رہتی ہے مسجد. نہیں نہیں، ایک آدھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس میں کی جا سکتی ہے، ان سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے اس میں. اصل بس چونکہ یہاں ذوق نہیں ہے عام لوگوں میں ذکر کا، فکر کا، اشراق کا، تو مسجد کو کھلا تو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر وہ سب چلے جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ لوگ جائیں اور ہم تالے لگائیں،
लेकिन उनसे कह दिया जाए कि भाई मैं तो इशराक तक बैठना चाहता हूँ, आप अगर बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं तो इसका वबाल आप पे, मैं घर में जाके पढ़ लूँगा। कह के तो देखिए इतनी सी बात कि आप मुझे नहीं बैठने देते मस्जिद में तो इसका वबाल आप पे, जिम्मेदारी अल्लाह के आप पे, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने तय किया कि मैं इशराक तक बैठूँगा, बाकी ये बिजलियाँ पंखे और ये दरवाजे वगैरह मैं बंद कर दूंगा, ताला जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिक लॉक से मैं बंद कर दूंगा। ऐसा कहा जा सकता है, लिहाज करते हैं। सवाल नंबर दो, बीवी का महर कब या किस वक्त देना जरूरी है और कब तक दे सकते हैं? बीवी का महर निकाह के वक्त देना जरूरी है, गुर्बत से पहले देना जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में मेहर को हमने खेल बनाया हुआ है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि बीवी माफ़ कर दे। तुमने क्या माफ़ किया है बीवी को जो वो माफ़ कर दे? तुमने गालियां देना माफ़ कर दी हैं? तुमने उसकी कोई जिम्मेदारी उसको माफ़ कर दी? बच्चे तुम चल लो ना उसकी जगह पे, माफ़ कर देगी मेहर वो। वो जो माहवारी आती है महीने की, वो एक आध महीने तुम भुगत लीजिए, बारी बारी कर लिया करो ना, वो माफ़ कर देगी तुम्हें मेहर। दोस्तों बहुत बेगैरती की बात है कि हम बीवी से ये मुतालबा करें कि वो हमें मेहर माफ़ कर दे, और ये तवक्को रखें दिल ही दिल में कहीं कि वो माफ़ कर दे। क्यों माफ़ करे? अगर तुम्हें हिम्मत नहीं थी ज़्यादा मेहर देने की तो लिखवाई क्यों थी? वो लोगों का दिखावा करने के लिए, दूसरों की शादियां मुश्किल बनाने के लिए? ऐसी मेहर लिखवाना जिसमें देने की आपकी नीयत नहीं है, या आप नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे सकते हैं, सख्त गुनाह की बात है, मुनाफ़क़त की बात है। आपके पल्ले कुछ नहीं है और आप 1.5 लाख रुपए मेहर लिख के दे रहे हैं, क्यों साहब? हाँ जी वो तो है जी, वो तो कार्रवाई होती है, वो तो माफ माफ हो जाएगी। क्यों माफ माफ हो जाएगी? गलत बातें हैं ये। निकाह के वक्त मेहर अदा हो जाना चाहिए और सब लोगों के सामने अदा होना चाहिए। जिस तरह से निकाह सबके सामने हो रहा है, मेहर की अदायगी सबके सामने वहीं हो जानी चाहिए और बीवी के वलीउल अम्र के हाथ में मेहर अदा होना चाहिए। और इसमें जितनी ताखीर करेंगे ये वबाल होगा आप पे। बाकी ये कि कब तक दे सकते हैं, जब तक बेचारी मर ना जाए। मरने के बाद आप नहीं दे सकते। तो मरने के इंतजार ना कीजिए उसका, लेकिन देने का वक्त वही है जो ही निकाह हुआ फौरन। और हमारे यहाँ जो फुकहा ने मुअज्जल और गैर मुअज्जल की जो शर्ह लिखी हुई है, इंद तलब की शर्त, भाई इंद तलब क्या होता? ये सब गलत बातें हैं, बेगैरती की बातें हैं ये, कि जब बीवी तलब करेगी क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है कि बीवी तुमसे मांगे? क्यों मांगे? उसका हक है, उसको बगैर मांगे दो, पहले ही दिन दो उसको, और प्यार मोहब्बत से और इज्जत से दो उसको। उसके आने से पहले उसके घर में पहुंचना चाहिए। अकीका कब तक कर सकते हैं? जब तक मौत ना आ जाए। भाई अकीका भी फौरी तौर पे करना चाहिए, सुन्नत है ये, जो ही बच्चा पैदा हुआ है फौरन उसका अकीका करना चाहिए। अब नहीं किया है तो जब तक जिंदगी है कर ले, लेकिन करना चाहिए। रमजान मुबारक के पूरे रोजे होने के बाद शवाल के 6 रोजे एक साथ रखना जरूरी है या थोड़े थोड़े करके उसी महीने पूरे कर सकते हैं? थोड़े थोड़े करके उसी महीने में पूरे कर सकते हैं, एक साथ रखना जरूरी नहीं है। सवाल नंबर 5, कुरान के लफ्ज के मानी क्या है? कुरान के लफ्जी माने हैं पढ़ने की चीज, करा यकराउ के माने होते हैं पढ़ना, कारी पढ़ने वाला, और कुरान ये रहमान के वजन पे मुबालगा कसीरा, सुबहान के रहमान के वजन पे कुरान पढ़ने की सबसे उम्दा चीज ये है लफ्ज़ी तर्जमा इसका, ये आप रख लेते हैं। जी जी
सवाल इनका ये है कि क़यामत में अल्लाह ताला की ये सफ़त लिल्लाहिल वाहिदिल कहार ये क्यों सामने आ जाएगी। बात यह है कि एक मफहूम तो ये है कि खुद अल्लाह ताला ही ये कह देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक मफहूम यह है कि कायनात का हर जर्रा ये कह देगा, इसलिए कि उस वक्त उस घड़ी जब अल्लाह ताला ये पूछेंगे तो अल्लाह ताला की सिफत कहार जो है वो जोरों पे होगी और वो जाहिर हो रही होगी। उस वक्त उस मौके पे उन लोगों के सामने जो ये कहेंगे यही सिफत जाहिर हो रही होगी, इसलिए कि जो नक्शा बांधा गया है वो तो ये है ना कि धूप में खड़े हुए होंगे, बैठने की इजाजत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, सजदा करना चाहते होंगे अल्लाह ताला को सजदा करने की ना इजाजत होगी ना हिम्मत होगी, जिस्म तख्ता हो गए होंगे, मुड़ नहीं सकेंगे जिस्म, जब रुकू करते हैं ना तो कमर मुड़ जाती है, सजदा करते हैं तो कमर मुड़ जाती है ना, घुटने भी मुड़ जाते हैं, बड़े आराम से सजदा करते हैं, उस दिन सब तख्ता हो गए होंगे, कर लो सजदा, कोई सजदा नहीं कर सकेगा। वादे कि इसलिए सजदा करने की हम इजाज़त नहीं देंगे उस दिन कि हमने सजदा करने का तुम्हें बहुत मौका दिया तुमने किया नहीं ठीक से, उस दिन सिफत कहार जो है ये जोरों पे होगी। हाँ कुछ लोगों के लिए कहा कि सिफत रहमान जोरों पे होगी। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफदा, उस दिन हम मुत्तकी लोगों को वफद की शक्ल में रहमान के हुजूर पेश कर देंगे। बाइज्जत वफ्द जैसे आता है ना, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना, उस दिन हम मुत्तकी लोगों को ले जाएंगे इलर रहमान, रहमान के हुजूर वफ्दा, वफ्द की शक्ल में, बाइज्जत मेहमानों की शक्ल में। तो रहमान की सिफत होगी, उसका जहूर भी होगा, लेकिन सिर्फ मुत्तकीन के लिए, आम लोगों के लिए, आम कायनात के लिए फरमाए सिफत कहार का जहूर हो रहा हो। हाँ ये क्या है? अच्छा भाई ये एक साथी हैं जो यमन से यहाँ आए हैं और इनका हादसा हो गया है, तो ये महकमे की तरफ से इन्हें ये चिट्ठी दी गई है, सर्टिफिकेट, तो इन पर कुछ जुर्माना है 1,20,000। तो आप में से जो हजरात ज़कात वगैरह में से और किसी शक्ल में इनकी मदद करना चाहें मदद कर दें, ये इनको वापस दे दें। खुद आखिया नकदर कुल तो ले लिखो इंशाल्लाह युसादुनक। कहाँ से है? बिस्मिल्लाह, बस ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व क़ाल शैतान लम्मा क़ुदिया अल-अम्र इन्नल्लाहा वअदकुम वअदल हक वअदतुकुम فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم। يا عارف آگے بھی وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ये सूरह इब्राहिम की एक आयत है। وقال الشيطان शैतान यूं कहेगा لما قضي الأمر जब मामले का फैसला हो चुकेगा हर शख्स के बारे में कि ये जन्नत में जा रहा है ये जहन्नम में जा रहा है, यूं कहेगा इन्नल्लाहा वअदकुम वअदल हक, देखो अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा वादा था, वअदतुकुम और मैंने जो वादा तुमसे किया था फअखलफ्तुकुम, मैं उस वादे से मुकर गया हूं फिर गया हूं। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाउतुकुम,
میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے کسی کام پہ تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، ہاں میں نے تمہیں دعوت ضرور دی تھی، بلایا ضرور تھا، برائی کو خوبصورت بنا کے، مزین بنا کے میں نے تمہارے سامنے پیش ضرور کیا تھا، لیکن تمہارے ہاتھ پکڑ کے برائی کرنے پہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میرا تم پہ کوئی سلطان نہیں تھا، کوئی قوت اور زور بازو نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا تھا اس کام کی طرف، دعوتکم میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، فلا تلومونی آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کام تھا تمہیں برائی کی طرف بلانا، میں نے تمہیں بلایا، تمہارا کام یہ تھا کہ میری بات پہ لبیک نہ کہتے لیکن تم نے لبیک کہا، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میری دعوت پہ تم نے کیوں لبیک کہا، تم اگر چاہتے تو میری دعوت پہ لبیک نہ کہتے، اپنی راہ لیتے، انبیاء کی راہ لیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتے، تم میرے راستے پہ چلے، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو اسی مشن پہ چلا ہوا تھا، میں تو دھوکہ دینا چاہتا تھا، میں نے دے دیا تمہیں، تم دھوکہ کھا گئے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب چیخ پکار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، شور مچا مچا کے کہ آؤ بچاؤ، اب کچھ فائدہ نہیں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم میری مدد نہیں کر سکتے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور تم نے میرے کہے پہ جو شرک کیا، انی کفرت میں اس سے میں کفر کرتا ہوں، ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے ہمیشہ دردناک عذاب ہے، تم میرے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر رہے ہو گناہوں میں، تمہیں تم نے میرے ساتھ شراکت کی ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہوں، تم نے جو کچھ کیا ہے اپنی ذمہ داری پہ کیا ہے، ٹھیک ہے جس طرح سے رسول نے تمہیں حق کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں برائی کا راستہ دکھایا، اب یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم رسول کی بات مانتے میری بات نہ مانتے، تم نے میری بات مانی اس کے تم خود ذمہ دار ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری میں اپنے سر لینے کو تیار نہیں، تم خود ظالم ہو، اس کا عذاب تم خود چکھو، اور جو ظلم میں نے کیا ہے اس کا عذاب میں چکھوں گا، میں نے تمہیں بہکایا ہے اس کا عذاب میں چکھوں گا، لیکن تم بہکاوے میں آئے ہو اس کا عذاب تم خود چکھو، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم سے، تحیتهم فیہا سلام، اور آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بول وہ سلامتی کا ہوگا، ایک دوسرے کو سلام، محبت، امن اور پیار کی باتیں کریں گے، کوئی جھگڑے کی، بغض کی، حسد کی، نفرت کی بات نہیں ہوگی، یہ جنت کی صفت بیان کی گئی، مطلب پوچھنا چاہتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی اذان میں جو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، مختصر تو یہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے،
कि नींद की वजह से, नींद के गलबे की वजह से नमाज को छोड़ रहे हो। नमाज छोड़ने के लायक चीज़ नहीं है, नींद छोड़े जाने के लायक है। नींद छोड़ दो, नमाज को न छोड़ना, नमाज पे आ जाओ। और ये मेरे इल्म में नहीं है कि मिस्र में ये कहते हैं, नहीं कि मिस्र में फ़िक़्हा शाफ़ईया है, मेरे इल्म में नहीं है ये बात कि उनके यहाँ कहते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कहते हैं वहाँ पे भी। ये हदीस पढ़ी है भाई ने एक, जिसका मफहूम ये है कि हम सुना के खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन के खिलाफ अमल करो, कुस्स शवारिब ताफुल लुहा, मूछें नीची करो, पस्त करो, कतरवाओ, वाफुल लुहा और दाढ़ियों को बढ़ाओ। तो उस जमाने में गालिबन बाज मुशरिकीन का ये होगा रिवाज, यहूद मूछें बढ़ाते थे। आप मैं कि नहीं, मूछों को कतरवाओ, पस्त रखो और दाढ़ी को बढ़ाओ। दाढ़ी को कितना रखो इसकी आपने कोई मकदार मुतय्यन नहीं फरमाई कि एक मुट्ठी के बराबर हो, ज़्यादा हो, कतरवाओ ना कतरवाओ। ज़्यादा फुकहा इस तरफ गए हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी को कतरवाते थे, एक मुट्ठी यूँ रख के यहाँ से यूँ कतरवाते थे। ज़्यादा इस तरफ गए हैं, लेकिन आपके कौल में, आपके फरमान में ऐसी कोई चीज़ नहीं। आपने सिर्फ मुजर्रद ये फरमा दिया दाढ़ी को बढ़ाओ, उसकी मकदार मुतय्यन फरमाई नहीं। तो दाढ़ी को रख लेना जो है वो तो वाजिब हो गया, वो तो हुजूर ने हुक्म दे दिया, तो हुक्म को मानना तो वाजिब हो गया। अब उसकी कितनी मकदार हो, अब कोई ख़ास मकदार जो है वो वाजिब नहीं होगी। थोड़ी रख ली, बड़ी रख ली, बहुत बड़ी रख ली, ये मकदार मुतय्यन नहीं फरमाई। लेकिन ज़्यादा फुकहा इस तरफ गए हैं कि एक कब्ज़ा जो है, एक मुट्ठी यानी चार उंगलियाँ ये होनी चाहिए, और कैंची के साथ इसको मूछों को पस्त करना चाहिए, नीचा करना चाहिए, ये बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इनका सवाल यह है कि वशम्सु तजरी लिमुस्तकरिल्लाह, जो आयत है, मुस्तकर से मुराद असल में तय किया हुआ रास्ता भी हो सकता है, ठिकाना भी। और आगे जो चल के कहा ना, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, इस पे तो दौरे जदीद का साइंसदान झूम उठता है कि हर अपने मदार में तैर रहा है। हर सितारा जो है अपने अपने मदार में, फलक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अपने अपने मुकर्रर रास्ते पे, मदार पे तैर रहा है। अब ये तस्वुर जो है उस दौर के इल्म तबीयात में और इल्म जुग्राफिया में किसी में भी नहीं है। ये तस्वुर जो है कि एक वाकिब और चांद और सितारे किस तरह से हरकत कर रहे हैं और हरकत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कुरान में मिलता है। और आपको सुनकर हैरत होगी कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा साइंसदान, बहुत बड़ा सर्जन मॉरिस बुकाए, उसने इस आयत पे इतनी खूबसूरत तफसीर लिखी है। कहता है कि ये तस्वुर उस दौर के इल्म में है ही नहीं कि सूरज क्या, चांद क्या, जमीन क्या, तारे क्या, सब अपनी अपनी जगह पे हरकत कर रहे हैं। कहते हैं ये तो 20वीं सदी में आके पता चला है। और भी आपको लतीफा सुनाऊं, यानी 19वीं सदी में आके साइंसदानों ने तस्लीम किया है कि सूरज भी हरकत कर रहा है। इससे 500 साल पहले, 550 साल पहले, यानी यूं समझ लीजिए 13वीं सदी से या 14वीं सदी से, 20वीं, साइंसदान ये चिल्लाते रहे
500 साल भी मैं गलत कह रहा हूँ, ज्यादा अरसे तक, 1000 साल तक ये चिल्लाते रहे कि सूरज जो है वो साकिन है और जमीन उसके गिर्द हरकत करती, और कुरान पे और कुरान मानने वालों पे ताने कसते रहे कि देखो सूरज तो हरकत करता नहीं है और कुरान कहता है शम्स तजरी। तो किसी साहब ने मौलाना मौदूदी साहब से ये सवाल किया कि साहब हमने तो साइंस में ये पढ़ा है कि सूरज हरकत नहीं करता, जमीन उसके गिर्द हरकत करती है, कुरान कहता है वह शम्स तजरी मुस्तकरिल्लाह। मौलाना बहुत ज़हीन आदमी थे, मौलाना कहा भी ठीक कहते हो, सूरज 19वीं सदी तक तो खामोश रहा है, हरकत नहीं करता था, अब उसने बहुत तेजी से हरकत करना शुरू कर दिया है, और न सिर्फ खुद हरकत कर रहा है बल्कि पूरे के पूरे निजामे शमसी समेत हरकत कर रहा है वो। तो अब वो लोग जो 1000 साल तक हमें ताने देते रहे हैं उनको सर झुका लेना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। ये तसव्वुर जो है कि वो कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, सारे के सारे अपने अपने फलक में अपने अपने मदार में तैरते हुए जा रहे हैं, ये तसव्वुर जो है उस जमाने की इल्मी दुनिया में नहीं पाया जाता, सिर्फ कुरान में पाया जाता है, और 20वीं सदी में आके ये खुला है। तो मौरिस बुखारी कहता है कि ये आयत खुला खुला सबूत है इस बात का कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे और ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए कि एक शख्स 1500 साल पहले ये बात अपने जी से घर के नहीं कह सकता कि कुल्लुन फी फलक यस्बहून, वो शम्स का अपना मदार है, कमर का अपना मदार है, तमाम सितारों का अपना अपना मदार है, और सब अपने अपने मदार पर हरकत किए चले जा रहे हैं। ये उस दौर का कोई पढ़ा लिखा इंसान, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा जोग्राफिया दान, फलक दान नहीं कह सकता था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दी, और लोगों की समझ में नहीं आई, लोगों को समझने में 1500 साल लगा, ये सिर्फ अल्लाह का कलाम हो सकता। बात यह है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का मामला जो है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, इसलिए कि उन नबूवत का सिलसिला, नबूवत की बहसत जो है वो दुनिया में आने के बाद शुरू हुई है। जब तक वो जन्नत में थे ना नबूवत का सिलसिला था, ना वो नबी थे, और ना उन पे मासूमियत की चादर थी, तो उसमें उनसे गुनाह हो गया। नबी वो उस वक्त बनाए गए हैं जब वो दुनिया में आए, तो दुनिया में आने के बाद नबूवत का सिलसिला शुरू होता है। जन्नत में तो नबूवत की जरूरत ही नहीं है, जन्नत में क्या ना कोई उम्मत थी ना कोई नबी, तो नबूवत का सिलसिला आके शुरू हुआ है दुनिया में। बाकी इसके फौरन बाद आप सवाल करेंगे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने क्यों कत्ल कर दिया, ये सवाल था ना आपके जहन में अभी। तो बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कत्ल किया है तो वो गुनाह नहीं किया है, वो एक आदमी को छुड़ा रहे, वो मान नहीं रहा, जुल्म कर रहा है, एक जालिम है, एक मजलूम को कत्ल कर रहा है, अब उसको छुड़ा रहे, वो छूटता नहीं, वो कत्ल करने पे तुला हुआ है, तो उसको एग्जाम्पल रसीद कर दिया, एक मुक्का रसीद कर दिया। अब मुश्किल ये थी कि इन्हें खुद पता नहीं था कि ये मेरा मुक्का जो है नबी का मुक्का है, वो मर गया। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा कत्ल का नहीं था, कत्ल का इरादा नहीं था, इसलिए वो बेचारे परेशान हो गए कि हैं ये क्या हो गया मुझसे। उसीलिए वो आदमी जिसको छुड़ा रहे थे वो दूसरे दिन उसी को कहे इन्ना कल गवी मुबीन, तू तो बड़ा गुमराह है, बदबख्त है, तूने मुझे फंसा दिया इसमें कत्ल में। तो आलमी होते उनके कत्ल का इरादा नहीं था, वो तो छुड़ा रहे थे, अब छुड़ाते छुड़ाते एक उल्टा सीधा हाथ उसको लग गया, था वो नबी का हाथ, नबी में कुव्वत होती है बहुत ज़्यादा, हर अब वो जानवर नहीं हुआ, मर गया वो। तो उसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में इरादा कत्ल नहीं है, छुड़ाने का इरादा है, लेकिन जालिम अपनी हरकत से वो बाज नहीं आ रहा, इसलिए उसको एक जोर से मार दिया, दफा हो जाओ, फिर
फितरी अंदाज में, जैसे कि आप तंग आ जाते हैं एक आदमी से कि उसको छुड़ा रहे हैं, वो छोड़ता नहीं है, तो एक आध उसको झापड़ रसीद कर देते हैं। मुझे एक साहब मिले, उसे मुझे ये आयत भी समझ में आ गई। वो कमांडो थे, देखे बड़े दुबले पतले थे, तो मैंने कहा कि आप बहुत दुबला पतला, लेकिन वो पाकिस्तानी फौज का कमांडो था। उससे मुलाकात हुई तो कहने लगे साहब बात यह है कि अब कोई मुझे गाली दे, थप्पड़ मारे, मैं अपने हाथ को नहीं उठाता हूँ, इसलिए कि चार आदमी तो कत्ल हो गए हैं, वो जिनको मैं आप सिर्फ छुड़ा रहा था, दो आदमियों को छुड़ाते छुड़ाते मैंने छुड़ाया और मेरा गुस्से में हाथ लग गया और आदमी मर गया। कहने चार आदमी तो यूं मेरे हाथ से मर चुके हैं, चलने में क्या करूं। तो ये होता है, तो इरादा कत्ल करने के मैंने बहुत सजा भुगती है उसके लिए, तो इरादा कत्ल नहीं होता बाद में लेकिन हो जाता है, तो उसमें गुनाह नहीं है। वो गुनाह तो वो होता है ना जो कि इरादे से किया जाए, वो नहीं है गुनाह। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम ने ठोक बजा के किया है गुनाह, वो गुनाह है उसको हम, यानी वो तो कुरान भी कहता है कि फासा आदम रब्बहू फगवा, आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, फगवा और बहक गया। फलम नजीद रहू आजमा, हमने उसमें कोई आजम नहीं पाया, इरादे की पुख्तगी नहीं पाई, इरादे का कच्चा था हमारा बाबा। वहां तो है लेकिन दुनिया पे आ जाने के बाद किसी नबी से कोई गुनाह नहीं हुआ, किसी नबी से कोई गुनाह नहीं। हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? रुकाजा, हाँ रुकाजा था वो। उनका सवाल, एक आदमी था पहलवान था हुजूर के ज़माने में, अपने वक्त का सबसे बड़ा पहलवान वही था, रुस्तम वही होगा अपने ज़माने का। उसने कहा जी बात यह कि मुझे तो एक ही चीज़ आती है, कुश्ती लड़ना, और मुझे कुछ पता नहीं है नबूवत क्या होती है, इल्म क्या होता है, हिदायत क्या होती है, वही क्या होती है, तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर इस चीज़ में आप मुझे पछाड़ देंगे तो मैं मान लूँगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। आपने तो बहुत अच्छा, तो आप मैदान में आ गए। तो जब मुकाबले में आया तो आपने बिल्कुल वो एक सेकंड के अंदर वो उसको पछाड़ के फेंक दिया। वो मैंने कहा नहीं, यो नहीं, यो नहीं, यो नहीं, ये बात नहीं बनी अभी, ये अभी कुश्ती शुरू नहीं हुई। भाई इतनी जल्दी मेरा गिर जाना जो है, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं दोबारा लड़ूंगा। आपने बहुत अच्छा, दोबारा आप संभल के आना। तो दोबारा जब आया तो आपने जरा जोर से पटका उसको, ईमान ले आया। तो ये हुजूर के हाथ से कभी कोई आदमी कत्ल नहीं हुआ सिवाय एक आदमी के। नबी की एक कुव्वत होती है, अल्लाह ताला ने अंबिया को जो सलाहियतें दी हैं आम लोगों के मुकाबले में वो हजारा गुना ज्यादा। वो उहद के मौके पे आया, उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, हमारा सिर्फ तुमसे झगड़ा है, मैं किसी और से नहीं लड़ना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूं, बहादुर तो मुकाबले में आ जाओ। तो आपने सहाबा को इशारा किया, वो दरमियान से हट गए। आपने कहा इसको आने दो मेरे साथ। वो आया, उसने हुजूर पे हमला किया। हदीस में आते हैं कि आपने सिर्फ अपना नेजा आगे कर दिया, उसके नेजे की अन्नी उसको चुभी और उसको इतना दर्द हुआ कि वो चीख मार के दर्द से मर गया। वो कहीं ऐसा नहीं कि आपने नेजा आर पार कर दिया हो, सिर्फ नेजे की अन्नी आपने किसी चुभो दी उसको काबिल। जब वो आया उसको इतना दर्द हुआ कि मर गया बेचारा। ये नबी की दुनिया मौजजात की दुनिया होती है। हाँ, क्या आयत है? वलकद आलिम तो लदी, ये आयत है। वलकद आलिम तो लदी न اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم اور تم نے جان لیا الذين اعتدوا منكم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبت یوم السبت کے معاملے میں سنیچر کے معاملے میں کیا زیادتی کی؟ زیادتی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک پابندی لگا دی. وہ پابندی یہ تھی کہ یوم السبت کو سنیچر کے دن وہ شکار نہ کریں. یہ لوگ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے. یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں آزمائش کے لیے, سزا کے لیے, کبھی سزا کے طور پہ کبھی آزمائش کے طور پہ. تو بنی اسرائیل پہ یہ لگا دی پابندی. اب ہوتا یوں تھا, آزمائش تھی نا, عام دنوں میں اتنی مچھلی نہیں آتی تھی سامنے, اور یوم السبت کو مچھلی بہت آ جاتی تھی. تو ان کا ایمان ڈاماڈول ہوا, انہوں نے پھر یوم السبت کو شکار کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں کی. تو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ, ہم نے ان سے کہا, حکم دیا ان کو, كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, کہ تم نامراد بندر بن جاؤ, بندروں کی شکل اختیار کر لو. تو انسانوں سے ان کو بندروں کی شکل میں ڈھال دیا گیا, صورت مسخ ہو گئی ان کی. نہیں, موت کا ذکر نہیں ہے, بندروں کی شکل بنا دیا گیا ان کو, بندر بنا دیا گیا. دعا کرنے خاصا ہو گیا. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ فل عافی عدد خلقی زنة عرشک رضا نفسی. اللهم يا رب صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم رضا نفسك عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ, اپنی محبت و معرفت نصیب فرما, اپنا ذکر و فکر نصیب فرما, اپنے کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت, اس کا ترجمہ, اس پہ عمل اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما. پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و معرفت نصیب فرما, آپ کی سنت کا اتباع نصیب فرما, آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا نصیب فرما. اے اللہ, قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما, قبر میں آپ کی زیارت اور آپ کا قرب نصیب فرما, جنت میں آپ کی صحبت اور آپ کا قرب نصیب فرما, اس دنیا میں بھی اے اللہ آپ کا قرب اور آپ کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ, اس دنیا میں بھی, بقیع الغرقت میں آئے اللہ, جنت البقیع میں قبر نصیب فرما, زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما, اور جب موت آئے آئے اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے سائے میں آئے اور آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آئے. اے اللہ, عالم اسلام کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی اے اللہ حفاظت فرما, ان میں دین کا علم اور دین کی غیرت و حمیت نصیب فرما. اے اللہ, مسلمان مجاہدین کی افغانستان میں, فلسطین میں, قبرص میں, ہر جگہ نصرت فرما. اے اللہ, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی نصرت فرما, تو ان کی حفاظت فرما, ہمیں ان کا سچا خادم بنا. اے اللہ, جو لوگ دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو ان کی سازشیں انہیں پہ الٹ دے.
اے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے، اے اللہ ان کو ان کی تدمیر فرما دے، اے اللہ جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کو یتیم بنا دے، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دے، اے اللہ اگر ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما دے اور ان کے شر سے ہمیں بچا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسائل حل فرما، ہماری مشکلات دور فرما، ہم پر کرم بے حساب فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری نظر کرم کے بھکاری ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ اے اللہ تو ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری مشکلات دور فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔